धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु आपकी स्तुति हो। अब्राहम के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मूसा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एलिया एलिसा दानियल याकोब योना आयुब के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सद्रक मेशक अबेदनगो का खुदा आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस मेरा प्रभु। सादा सर्वादा के लिए मेरा खुदा यीशु नासरी आपकी स्तुति करते हैं। महिमा प्रशंसा करते हैं आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। तो हम सबों से अगम्य प्रेम करते हैं बहुत प्यार करते हैं। सच में प्रभु तू ऊंचे पर विराजमान है। तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे समान कोई नहीं। किसी के काम भी तेरे काम के बराबर नहीं है। धन्यवाद यीशु तू महान है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तू अद्भुत रीति से अभी तक हमें संभाल करके रखा है और आगे भी तू हमें संभाल रहा है और हमेशा संभालेगा। धन्यवाद खुदा हम सबों को अभी तक अपने पन्ना हमें आप रखे हैं। अपने छत्र छाया में पाल रहे हैं पढ़ा रहे हैं। हमारा परिवार भी प्रभु भला चंगा है क्योंकि तू हमारे परिवारों को भी अपने छत्र छाया में रखा है। अपना अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर बनाए रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए प्यार के लिए अनुग्रह दया कृपा प्रभु तक करुणा के लिए। हाँ प्रभु आपकी इच्छा चाहत मर्जी के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपने के इच्छा चाहत मर्जी से आज के आनंदमय दिन के साथ आज के आनंदमय रात्रि भी हम देख पाए हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी तू हमें दिया है। सुंदर सुबह के साथ सुंदर शाम भी तू हमें दिया है। सुंदर भोर के साथ सुंदर संध्या काल भी तू हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता पूरे दिन अद्भुत रीति से आप हमें संभाले हमारा ख्याल रखें। अपने आँखों की पुतली की नहीं हमारा देख रेख किए देखभाल किए और अभी तक प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है। इसीलिए तो खुद अभी तक हम जीवित हैं चंगा भला हैं स्वस्थ हैं कुशल से हैं और हमेशा प्रभु कुशल से ही रहेंगे क्योंकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हमेशा के लिए हमारे ऊपर है। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि हमेशा के लिए आपके ऊपर बनाया है। हालेलुया आपका कभी कुछ हानि नहीं होगा आपका कभी कुछ नुकसान नहीं होगा किसी प्रकार का चोट। हाँ मेरे प्रियो किसी प्रकार का चोट आपको नहीं लगेगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे प्रभु आपका ख्याल रखता रहेगा आपका देखभाल करता रहेगा आपके निकट रहकर आपको संभालता रहेगा। जब आप उससे अलग हो जाएंगे तब जाकर के कुछ हो सकता है आपका कुछ हानि हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो सकता है आपको चोट लग सकता है। पर जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे आपका कुछ हानि नहीं होगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अपने लोगों को अपने जनों को अपने सीने से लगा करके रखता है अपने पन्नाह में रखता है अपने छत्र छाया में पालता है बढ़ाता है। उसके लोग कौन है मेरे प्रियो प्रभु के जन कौन है जो प्रभु की सुनते हैं जो संसार की परवाह नहीं करते। हालेलुया प्रभु के पीछे चलते रहते संसार उनको किस दृष्टि से देखता है उनके विषय में क्या सोचता है इसका परवाह नहीं करते बल्कि प्रभु के पीछे प्रभु के मार्गों पर चलते रहते प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करते रहता है प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताते रहते हैं। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। वो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु की जन है और प्रभु हमेशा उनको संभालेगा हमेशा उनका ख्याल रखेगा अपने सीने से लगा करके रखेगा अपना प्यार और दुलार उनके ऊपर बनाए रखेगा। हालेलुया अपना असीम शांति सुख चैन उनके जीवन में बनाए रखेगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु, से मदद कीजिए प्रभु। प्रभु जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग मसीह भाई बहन आज के शाम में हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं, प्रार्थना विनती दुआ याचना कर रहे हैं, हे प्रभु हमेशा के लिए प्रभु उनके ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि बना रहे, हमेशा के लिए प्रभु उनके जीवन में आपकी उपस्थिति रहे। अनुग्रह कर महान परमेश्वर, आप उनके निकट रहे। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुनाश्री, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रिय प्रभु के दिए हुए आज के सुंदर शाम के वक्त प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज के रात्रि में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या बातें करते हैं, हम सबों को क्या सिखाता है, हम सबों से क्या कहते हैं। मेरे प्रिय, जिस वचन को हम देखने वाले हैं वो वचन है दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय के उसका 1 से 15। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा है कि अगर आप प्रभु को कुछ भेंट देते हैं या कंगाल को दान करते हैं तो कुड़कुड़ा करके नहीं करना। हालेलुया, किसी प्रकार के दबाव में आकर के नहीं करना, बल्कि हर्ष के साथ करना है, उमंग के साथ करना है और गुप्त रखना है। आप प्रभु को भेंट देते हैं, उस भेंट को या कंगाल को दान करते हैं, उस दान को गुप्त करना है। हालेलुया, गुप्त रखना है, किसी को जनाना नहीं है। तो क्या होगा, ऐसा दान से लिखा है मेरे प्रियो दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 7 में कि प्रभु प्रेम रखता है। जो ऐसा दान करता है, प्रभु को भेंट देता है, उनसे प्रभु प्रेम रखता है। और क्या लिखा है मेरे प्रियो, हाँ और क्या लिखा है मेरे प्रियो, जब 8 पद के वचन को पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय के 8 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताय से देगा, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रभु को भेंट देते हैं या कंगाल को दान करते हैं, क्या करना है, कुड़कुड़ा करके नहीं करना, किसी प्रकार के दबाव में आकर के नहीं करना, क्या करना है, हर्ष के साथ उमंग के साथ करना है और उसको गुप्त रखना है। बहुत लोग भेंट देते हैं तो लोगों को जनाते हैं या कंगाल को दान करते हैं तो फोटो निकालते हैं, तस्वीर निकालते हैं, बहुतों को जनाते हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर आप उसको गुप्त रखेंगे तो 7 पद में लिखा है कि गुप्त रखने वालों से और हर्ष के साथ भेंट देने वालों से, कंगालों को दान करने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। और क्या करेगा, क्या लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह उन्हें बहुतायत से देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में कार्य करे। वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में लागू भी कीजिए, वो वचन आपके जीवन को फलवंत करेगा। हालेलुया, सुंदर बनाएगा आपके जीवन को, सजाएगा, संवारेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मददगार खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर खुदा, आपकी स्तुति हो प्रभु, कृपा कर दीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो,
वचन जो कहते हैं वैसा ही कीजिए, वही कीजिए, तो सच में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुत ऐसे देगा जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो आपको आवश्यकता हो आपके पास रहे, और हर एक भले काम के लिए, हाँ, और हर एक भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए महान परमेश्वर। प्रभु जी, आज रात्रि का वचन और प्रार्थना सब सुनने वालों के लिए पावरफुल होने पर, शक्तिशाली सामर्थ्य होने पर, सबों के जीवन में कार्य करने पर, सबों के जीवन को चेंज करने पर, बदलने पर और फलवंत बनाने पर सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मददगार खुदा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, प्रशंसा और लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज के सुंदर शाम में ये बच्चा एनोसॉन, हाँ, जितने इस प्रार्थना में शामिल है उन सब जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं आप देने की कृपा करें, पूरा करने की कृपा करें खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, जितने बीमार हैं उन्हें छू लीजिए ताकि वो चंगे हो जाए, शैतान से ग्रसित है उनके अंदर अपनी आत्मा उड़ेल दीजिए ताकि हमेशा के लिए वो शैतान से स्वतंत्र हो जाए। हमें प्रियो, जिनके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, सामर्थ्य रहता है, शैतान अटैक नहीं करता, उनके ऊपर हावी नहीं होता, छूता नहीं है, टच नहीं करता है। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, उपवास रह करके प्रार्थना कीजिए, उपवास रह करके प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा और आप हमेशा के लिए शैतान से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कार्य खुदा, दयालु कृपा अति करुणा में अति सामर्थ्य सर्वशक्ति अति उत्तम प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, उद्धार करता खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, तारणहार पालनहार सृजनहार प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, आज का दिन प्रभु अच्छा था, होने दीजिए प्रभु आज का रात्रि भी अच्छा ही होने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, जो आज के दिन में प्रभु दुख भोगे हैं स्वर्गीय पिता, किसी प्रकार के कलेश समस्या में, हे प्रभु अनुग्रह कर आज की रात्रि उनके लिए आशीष में होने पाए, और आने वाला समय, आने वाला दिन भी प्रभु जी अनुग्रह करके आशीष में होने पाए। प्रभु अनुग्रह कर किसी के जीवन में बुरा दिन प्रभु ना आए, गलत समय ना आए स्वर्गीय पिता, सबों के जीवन में प्रभु आशीषमय दिन, आशीषमय समय प्रभु, बरकत बढ़ोतरी सुख शांति समृद्धि चैन में प्रभु, सफलता में दिन और समय सबों के जीवन में तू जोड़, तू दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते सब प्रभु, आनंद करे तुझ में, खुशियाँ मनाए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर दे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उनकी दी हुई एक एक प्रार्थना निवेदन, एक एक प्रार्थना विषय हम आपकी हजूरी में रखते हैं प्रभु, दृष्टि कीजिए सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर, आप दृष्टि कीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु, ताकि उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में मिल सके। होने दे स्वर्गीय पिता, जो कुछ है, जो कोई प्रभु जो कुछ है पाने की आशा आपसे रखते हैं, उनकी आशा को बनाए रख स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, जो कोई प्रभु सब कुछ पाने की आशा आपसे रखता है उनकी आशा को बनाए रखना प्रभु अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं ए भाई ये बहन, हाँ, जितने इस प्रार्थना में शामिल है वो सब जो कुछ भी आपसे चाहते हैं प्रभु पूरा होने दे प्रभु, उनकी इच्छा लालसा मनोकामना सपना मनोरथ जो भी हो प्रभु पूरा होने दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, सबों के घर परिवार में शांति बनाए रखिए, प्रेम भाव एकता मेल मिलाप की आत्मा दीजिए, झगड़ा लड़ाई कलह किस से प्रभु छुटकारा दीजिए, नशे की हरे की लत से प्रभु छुटकारा दीजिए, जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं क्रोध करते हैं प्रभु जी, प्रभु गुस्सा से नफरत क्रोध से छुटकारा दीजिए, जो अपने परिवार के प्रति प्रभु जी गुस्सा है स्वर्गीय पिता, जिनके अंदर अपने परिवार के प्रति गुस्सा है क्रोध है उनके अंदर प्रभु नफरत है, उसको आदर सम्मान में प्रेम में बदल दीजिए प्रभु। वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वैवाहिक जीवन में शादीशुदा जीवन में जो भी प्रॉब्लम है जो भी कलेश होता है स्वर्गीय पिता, जो भी प्रभु दूरियां है प्रभु खत्म कर दीजिए प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर बिखरे हुए परिवार को समेट ले, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दे, टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबों के घर परिवार जीवन में प्रभु शांति बनाए रख स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर झगड़ा लड़ाई से प्रभु जी प्रभु छुटकारा दे महान
परमेश्वर धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह और कृपा कर दीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, सादे सुधा जीवन में शांति दे, प्रेम दे, भाव दे, एकता दे, मेल मिल आपकी आत्मा दे प्रभु जी, धन्यवाद करते, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने मत दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते, दूरियां हैं नजदीकी में बदल दीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए, पूरे दिन संभाले हैं प्रभु, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशान होने मत दीजिए प्रभु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हाँ जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, हे प्रभु सब प्रभु पूरे रात अच्छे से सोए, सुकून भरी नींद के साथ, सुकून भरी नींद के साथ प्रभु सोए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने बिछौने में जाए प्रभु जी, तो पूरे रात नींद सोए, किसी प्रकार की किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, स्वर्गीय पिता सबको आप अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए, महान परमेश्वर धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो जाए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो जाए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, सराधर महिमा और सम्मान आपको मिले स्वर्गीय पिता, डरावना बुरा सपना से छुटकारा दीजिए, जिनको डरावने बुरे गंदे सपने आते हैं प्रभु, अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता सपना से छुटकारा दे प्रभु, जो रात में सो नहीं पाते अनुग्रह करके वो सोने पाए, जो बहुत से बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, उनके चिंताओं को दूर कर दे, डिप्रेशन में सब बाहर निकल, स्वर्गीय पिता जिनके अंदर प्रभु जी रात में बेचैनी घबराहट हो जाता है, जिनके अंदर प्रभु जी बेचैनी घबराहट हो जाता है, जिनका मन व्याकुल हो जाता है, उनको छू और चंगाई दे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो नींद की दवा लेते हैं स्वर्गीय पिता, बिना दवा के आप अच्छी मीठी नींद उन्हें दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो जाए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो जाए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले खुदा धन्यवाद करते प्रभु, जिनके सर में दर्द रहता है प्रभु दर्द से छुटकारा दीजिए, जिनके पेटे में, गर्दन में, जोड़ों में, घुटनों में प्रभु जी, कमर में दर्द रहता है दर्द से छुटकारा दीजिए प्रभु, जिनके मसूड़ों में दर्द सूझे, जिनके दांत में दर्द है प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु, जिनके बॉडी में सफेद दग धब्बे हैं, किसी प्रकार के दग धब्बे हैं चंगाई दीजिए प्रभु, जिनको शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके पैर में घाटा हुआ है, जिनके बॉडी में गिल्टियाँ हैं स्वर्गीय पिता, रसोलियाँ, जिनके आँत में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, अनुग्रह कर चंगाई दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते, ज्वाइंटिस से प्रभु जी, पतली से छुटकारा दे प्रभु, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, आंखों के मुद्देबीन की बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, जिनके कान में सनसनाहट है चंगाई दे स्वर्गीय पिता, जिनके कान बहते हैं, मुंह से ब्लड आता है, नाकों से ब्लड आता है, आंखों से पानी गिरता है प्रभु, छूले और चंगाई दे प्रभु, जिनके आंखों से कम दिखाई देता है स्वर्गीय पिता प्रभु, अनुग्रह कर उनकी आंखों को तू छूले और प्रभु उनकी आंख की रोशनी को बढ़ा स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, प्रभु जो स्वस्थ नहीं है स्वर्गीय पिता उनको छू और स्वस्थ कर, चंगा भला कर स्वर्गीय पिता, कुशल रख महान परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, अनुग्रह का जिनके सर के बाल गिरते हैं स्वर्गीय पिता, झड़ रहे हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, रोक दीजिए और नए बालों को उगाइए, जिससे कि सर के बाल प्रभु घने हो जाए, सहायता कर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, नाखून का प्रॉब्लम खत्म होने के लिए प्रार्थना करते, सहायता कीजिए प्रभु, प्रभु गुप्त रोगों से, कुष्ठ रोगों से प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु, सारे घाव से, जख्म से, चमर रोग से, दिनाह से, उकवत से, घाटा से प्रभु, प्रभु खाज खुजली से, चुनचुनाहट से प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते, चिचक से प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, उनके बॉडी में जो भी रोग बीमारी हो स्वर्गीय पिता, उस रोग बीमारी से प्रभु आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, छुटकारा दे दीजिए प्रभु, अनुग्रह कर पैर के नाखून से लेकर शरीर के पाल तक एक एक अंग प्रभु सुख में आने दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, रोगों से प्रभु छुटकारा दीजिए, धन्यवाद रोगों की दुष्ट आत्मा से भी प्रभु छुटकारा दीजिए, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, आप हमारे विनती को सुने, ग्रहण भी किए, स्वीकार भी किए और जवाब भी, हाँ उत्तर भी, हाँ आमीन में दिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कीजिए, एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता, जिस किसी के लिए दुआ करें, जिस किसी के लिए जो कुछ भी आपसे मांगे हैं स्वर्गीय पिता, आप पूरा होने दीजिए प्रभु, दुआ को कबूल कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, होने दीजिए प्रभु, सबों के मुँह के वचन
वचनों को सुनने के लिए प्रभु हमेशा अपने कान को प्रभु उनके मुंह के वचन को लगाए रखिए। धन्यवाद देते हैं सबके सहायता के लिए प्रभु, फूर्ति रह। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, अनुग्रह कर सबके निकट रहकर सबको समा। धन्यवाद की तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हमारे विनती को सुना प्रभु जी, और जवाब भी उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपको लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं यीशु नासरी, आमीन प्रभु जी, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। ऐसा करने से सच में प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और स्वर्गीय जरूर के खोल करके समय पर प्रभु आपके जरूरत की चीज़ें, आवश्यकताएं की चीज़ें आपको देता रहेगा। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। हाँ, अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु को फिराता है, उधार पाता है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। किसी रीति से आप खो नहीं पाएंगे, उसका मिलेगा ही। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रभु का जुरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसका भरोसा टूटता नहीं है, प्रभु उसके भरोसा को बनाए रखता है। प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर आपके सारे मांगों को पूरा करेगा। आपके भेजे हुए दिव्य प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषयों पर दृष्टि करके उसका उत्तर जवाब हाँ आमीन में आपको देगा, हाँ आपको देगा, प्राप्त करेंगे, प्रभु की ओर से पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में।